नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर। अब प्रेशर क्या होता है? प्रेशर वर्ड देखें, प्रेस से निकला है, प्रेस। तो प्रेस अ पेंसिल फ्रॉम इट्स एंड बिटवीन द पाम्स। आपने एक पेंसिल लेनी है, ठीक है, उसको अपने हैंड में प्रेस करना है, ठीक है, अपने हैंड में कि हथेलियों में इसको क्या करना है, प्रेस करना है। द पाम प्रेसिंग द टिप फील मच मोर पेन देन द पाम प्रेसिंग इट्स ब्लंट एंड। जब आप पेंसिल को प्रेस करोगे अपने पाम्स में तो क्या होगा कि जो उसका उसकी टिप होगी पेंसिल की, ये जो टिप है पेंसिल की, ये जो टिप होगी इस पर आपको क्या होगा, पेन फील होगी। जाहिर सी बात है उसका ये जो आपको शार्प एज नज़र आ रहा है, शार्प एज नज़र आ रहा है, इसकी वजह से आपको अपने हैंड में क्या फील होगी, पेन फील होगी। यू कैन पुश अ ड्राइंग पेन ऑन टू अ वुडन बोर्ड। अब यहाँ पे ये जो एग्जांपल उन्होंने दी है पेंसिल की, तो जिस यहाँ पे इसका एरिया देखिए कितना स्मॉलर है, ठीक है, ये पेंसिल का ये जो शार्प एज होता है इसका एरिया कितना स्मॉलर है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ा और आपको पेन फील हुई। एज़ कम्पेयर टू ब्लंट, यानी कि इस जगह पे आपने प्रेशर जितना मर्जी लगाया लेकिन आपको पेन फील नहीं हुई। मीन्स के आपको जितना एरिया स्मॉलर होगा उतना ही प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। वी कैन पुश आ ड्राइंग पेन इन टू अ वुडन बोर्ड। जब आप एक ड्राइंग पेन को वुडन बोर्ड पे पुश करते हो बाय प्रेसिंग इट बाय आवर थंब, अपने थंब के साथ, इट बिकॉज देयर फोर्स विल अप्लाई ऑन द ड्राइंग पेन इज कन्फाइंड। जितनी भी फोर्स आप इस ड्राइंग पेन के ऊपर लगाओगे वो सारी की सारी इस जगह पे क्या हो जाएगी, कन्फाइंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस जगह पे सारी की सारी कन्फाइंड हो जाएगी। जस्ट अ वेरी स्मॉल एरिया। अब यहाँ देखें इस पिन का एरिया आप देख सकते हैं बहुत ही स्मॉल है। अ ड्राइंग पेन अंडर इट्स शार्प टिप, अ ड्राइंग पेन विद अ ब्लंट टिप वुड बी वेरी डिफिकल्ट, अ ड्राइंग पेन विद अ ब्लंट टिप वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू पुश इन टू द बोर्ड ड्यू टू लार्ज एरिया ऑफ इट्स टिप। यहाँ देखें कि जितना यहाँ पे जो फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ी है वो बहुत इफेक्टिव फोर्स है, ये इफेक्टिव फोर्स है, और ये आप जितना एरिया स्मॉल होगा उतना ही प्रेशर ज़्यादा होगा, उतनी ही फोर्स ज़्यादा होगी। अगर मैं इस पिन को उलट कर दूँ, यानी कि शार्प एज ऊपर कर दूँ और इस पिन को नीचे कर दूँ, तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस पिन को इस ड्राइंग बोर्ड में लगाना, डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि एरिया जैसे ही इंक्रीज़ होगा प्रेशर डिक्रीज़ होने की वजह से फोर्स भी डिक्रीज़ हो जाएगी और ये पिन भी इसके अंदर नहीं जाएगी, तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, जाएगी बट बहुत मुश्किल से ही, अगर गई तो बहुत मुश्किल से जाएगी, वरना चांस कोई नहीं है, यानी इसको भेजना बहुत मुश्किल है। इन दीज एग्जाम्पल्स वी फाइंड दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ द स्मॉल फोर्स इज इंक्रीज इफ द एरिया ऑफ द फोर्स इज रिड्यूस्ड। उन्होंने कहा है कि जितना एरिया कम होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर जो होगा हमारे पास, इफेक्टिवनेस ऑफ द स्मॉल फोर्स इज इंक्रीज, यानी कि जो फोर्स उसके ऊपर लग रही है वो इंक्रीज होगी जितना ही एरिया हमारे पास क्या होगा, स्मॉल होगा। द एरिया ऑफ द टिप ऑफ द पेंसिल ऑफ और दैट ऑफ द नेल इज़ वेरी स्मॉल, हैंस द इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोर्स। यानी कि जितना एरिया स्मॉल होगा, हमने देखा कि हमारे पास पिन जो थी उसका भी एरिया स्मॉल था, उसका जो शार्प एज का, और यहाँ देखिए पेंसिल है इसका भी टिप का जो एरिया ये भी स्मॉल था, तो यहाँ पे बहुत ही हमारे पास फोर्स जो थी वो भी इंक्रीज हो रही थी, और ये फोर्स हमारे पास कौन सी थी, अफेक्टिव फोर्स थी। तो क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स, वो क्वांटिटी जो फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है एंड इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन द एरिया, यानी कि जैसे एरिया डिक्रीज होगा फोर्स हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग इज कॉल्ड प्रेशर, वो फोर्स हमारे पास क्या कहलाएगी, प्रेशर कहलाएगी। Thus the pressure is defined as, अब pressure को हम define करते हैं, the force acting normally per unit area, जब force act करती है per unit area पर on the surface of the body, body की surface पर is called pressure, pressure कहलाता है। Pressure is equals to force per unit area, अब force per unit area, force हमारे पास जो हम apply कर रहे थे उस unit area पर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, pressure। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास है प्रेशर इज द स्केलर क्वांटिटी इन एसआई यूनिट्स, द यूनिट ऑफ द प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आल्सो कॉल्ड अ पास्कल, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, पास्कल के, तो पास्कल किसका यूनिट हुआ हमारे पास, प्रेशर का, तो वन न्यूटन मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन पास्कल, तो ये वन पास्कल हमारे पास क्या है,
प्रेशर का यूनिट है। यहाँ पे देखिए इस चीज़ को उन्होंने क्या कहा है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि ये जो आपको नज़र आ रहा है एरिया कितना स्मॉल है, यानी इस पे जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, प्रेशर के। होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।